सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। तो अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। यार, कैमरा को सेट करने बहुत दिक्कत होता है, इसका हाइट इतना ज़्यादा है। कुछ दिन पहले मैंने अपना हाइट दिखाया, मेरा हाइट अच्छा खासा है, आपको पता चल चुका है, ठीक है। फिर यार, राणा का हाइट देखो कितना ज़बरदस्त है। राणा के सामने जब मैं खड़ा होता हूँ यार, ऐसा लगता है कि मेरा हाइट 5 फीट है। बिकॉज जब आप किसी लंबे इंसान के सामने खड़े होते हो, चाहे आपका हाइट 6 फीट भी हो ना, तो आप उसके सामने 5 फीट के लगोगे। एंड सेम मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरा काम है आप सभी को नॉलेज प्रोवाइड करना, साथ ही साथ आप सभी को मोटिवेट करना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज करना हाइट बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यार आप लोगों को एक्सरसाइज करने में बहुत दिक्कत होता है, बिकॉज आपका बॉडी में जान नहीं है, आप कमजोर हो। ये सुन के आपको खराब लग रहा होगा, चाहे आप मोटे हो, आपको लग रहा कि आप बहुत मोटे हो, आप में बहुत ताकत है। नहीं, आपका बॉडी में चर्बी जमा हुआ है। आप अपने पेट का जो चमड़ा, उसको पकड़ो, देखना इतना मोटा पकड़ाएगा, वो मसल नहीं है, वो फैट। आप अनसन खाते हो एंड जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप अपने बॉडी को फीड कर रहे हैं, वो एज अ फैट जमा हो रहा है, वो कुछ काम का नहीं है। एंड जितना फैट रहेगा यार, आप उतना ज़्यादा अनहेल्दी हो। एंड मे बी आप बहुत ज़्यादा पतले हो, जैसे सपोज राणा पतला दुबला है, अभी फिर भी जिम कर रहा है, तो शरीर थोड़ा बहुत सही हुआ है, उतना कुछ खास ठीक नहीं हुआ है। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ यार, इससे आपका दिमाग पूरा हिलने वाला है। एंड यार, अगर आप इसको सही कर लेते हैं, हाइट बढ़ाने में आपको तकलीफ नहीं होगा, आप इजीली अपना हाइट बढ़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको ठीक करना पड़ेगा, एंड इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। जो भी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त बनाता हूँ, अगर मेरा वीडियो को कोई प्रॉपरली देख लेना, तो उसका हाइट रुक कभी नहीं सकता, उसका हाइट बढ़ेगा तो बढ़ेगा। एंड जो प्रॉपरली फॉलो करते हैं, उनका हाइट बढ़ता ही है, जरूर बढ़ेगा, बढ़ता ही है उनका हाइट। एंड अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे नहीं, तो नॉलेज पूरा मिल नहीं रहा है, फिर आप अनसंड करने का ट्राई करेंगे, नॉलेज तो है नहीं, उल्टा सीधा करेंगे, लास्ट में क्या होगा, आपको परेशानी होगा, आपका हाइट नहीं बढ़ेगा। तो ठीक है, अगर आपका हाइट 1 साल से नहीं बढ़ रहा है, 2 साल से नहीं बढ़ रहा है, बहुत दिनों से आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है, या बहुत स्लो बढ़ रहा है, तो फिर आपको जरूरत है मेरा ऑनलाइन कोचिंग। मैं ट्रेनिंग देता हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे देता हूँ? थ्रू व्हाट्सएप, जिसे आप अपने घर बैठे कर सकते हैं, आप अपने रूम में बैठकर मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं। एंड चार्जेस बहुत ही लो है, आप इजिली अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग, फॉर पर्सनल ट्रेनिंग? देखो नीचे मेल आईडी है, मेल आईडी पे जाके कॉन्टैक्ट करो। आपके फोन में जीमेल है, जाके मेल आईडी को टाइप करो, प्रॉपरली टाइप करना, जैसा लिखा हुआ वैसे टाइप करना, और फिर आपको पर्सनल ट्रेनिंग मिल जाएगा, मैं वहां पे आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। एंड चार्जेस बहुत ही लो है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। एंड अगर आपको हाइट बढ़ाना है, तो आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए। तो देखो, आप लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते नहीं है, आप लोग स्टूडेंट है, आपको पता नहीं है, गलती आपका नहीं है, आपको पता नहीं है। एंड आजकल हमारा लाइफस्टाइल जैसे बन चुका है, हमारा बॉडी में क्या हो रहा है, मसल मास बहुत कम है। एंड इसका मेन रीजन है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। पहले के जो लोग होते थे, आज से 100 साल 200 साल जो पीछे की बात कर रहा हूँ, लोग जंगल जाते थे, कुल्हाड़ी चलाते थे, ठीक है, खेती बाड़ी करते थे, ठीक, कुदाली पूरा ऐसे चलाते थे, तो मसल्स पूरा काम होता था। दूध दही डेली 2 लीटर 3 लीटर दूध दही मक्खन, तो डाइट बहुत अच्छा रहता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुका है। एंड आपको चाहिए प्रॉपर नॉलेज। पहले के जो लोग थे, उनके पास उतना नॉलेज नहीं था। जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं, वो लोग क्या होते हैं ना, फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। एंड उसका बाय प्रोडक्ट आप देख लो, हाइट कितना ज़बरदस्त है, 6 फीट वहाँ का मिनिमम हाइट होता है। मेरा एक भाई रहता है वहाँ पर, ठीक है, एम्स्टरडेम में, ठीक है, तो बता रहे यार यहाँ पे सबका हाइट 6 फीट है, 7 फीट का कितना बंदा देख चुका है, बोल मुझे याद नहीं है, गिनती नहीं कर सकता हूँ, इतना बंदा है यार 7 फीट वाला, इधर दिखता है 7 फीट वाला, दिखता ही नहीं है। मैंने अभी तक यार 7 फीट का बंदा नहीं देखा,
इंडिया में अभी तक 7 फीट का बंदा मैंने अपने आंख से नहीं देखा है, बहुत कम है। एंड अगर आप बाहर चले जाएंगे आपको दिख जाएगा वो है 7 फीट का, वो है 7 फीट का। क्यों? बिकॉज फिटनेस सही है। एंड आप अपना फिटनेस लेवल को चेक करो, 0 है। मैं आपको ये बता रहा हूं, मे भी आपको खराब लग रहा है, लेकिन लगने दो। जब तक खराब लगेगा नहीं तब तक आपका अंदर में जगेगा नहीं कि मुझे करना है। जब तक मैं राणा को नहीं बोलूंगा कि तुमसे लिखाई पढ़ाई होगा नहीं, तुम एक काम करो, भेड़ बकरी खरीदो और जाके उसको चराने लगो, तब उसका दिल में लगेगा कि नहीं मुझे पढ़ना जरूरी है, नहीं तो इन फ्यूचर मुझे भेड़ बकरी चराना पड़ेगा। जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मुझे क्या कहते थे, अगर पढ़ोगे नहीं ना तो बाद में जाके भेड़ बकरी चराना पड़ेगा, तो डराते थे। तो इसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप अपना फिटनेस पर ध्यान नहीं दोगे एंड आप हाइट का शौकीन हो तो आपका हाइट कभी नहीं बढ़ेगा। फिटनेस कैसे इंप्रूव होगा आपका, कैसे इंप्रूव होगा? जैसे विराट कोहली को मैं पकड़ता हूं, सबको पता होगा विराट कोहली कौन है। विराट कोहली अपना फिटनेस पे कैसे ध्यान देते हैं देखना, जिम करते हैं। हर प्लेयर, हर एथलीट जिम जाता है एंड वहां पर तगड़ा मेहनत करता है। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, आप कहेंगे मैं कैसे जिम जाऊं? यार जिम में ऐसे ज्यादा पैसा लगता नहीं है, 400 से 500 रुपए लगता है लोकल जिम में। और अगर आप थोड़ा हाईफाई जिम जाएंगे तो ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन अगर ज्यादा पैसा नहीं है तो लोकल जिम में जाओ ना यार, जिम तो जिम है, वहां पे आपको डंबल मिलेगा, बारबेल मिलेगा। जितना हाईफाई जिम में चले जाओ वही डंबल बारबेल ही मिलता है। हाँ, थोड़ा चकाचक रहता है, लाइटिंग अच्छा रहता है, ठीक है, माहौल थोड़ा अलग रहता है। पैसा नहीं है अभी, लोकल जिम में जाओ। जिम जाने से यार आपको मशीन्स मिलता है, आप अपना बॉडी को फिट करते हो। यार भूल ही जा रहा हूं, जो बताना चाहता था वो तो भूल ही गया मैं। राणा टी शर्ट खोलो। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं एंड अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपका हाइट कहीं पे नहीं जाएगा। राणा थोड़ा इधर आओ, जैसे ये राणा का बॉडी है, पीछे घूमो, पीठ में देखो ये सब हड्डी निकला हुआ है, पीठ में हड्डी निकला हुआ है, शोल्डर देखो कितना पतला है, ऐसे घूमो साइड में, देखो शोल्डर कितना पतला है, इधर घूमो, कुछ नहीं। और बाइसेप्स कैसे करो, फ्लॉन्ट करो, कुछ नहीं है, बहुत कम, ये नॉर्मली रहता है। फिर भी अभी हुआ है, जिम जा रहा है, एक महीना से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, नहीं तो पहले ऐसे फू मारने से उड़ जा गया, पहले जैसा था ना, अगर मैं फू मारता तो उड़ जाएगा, इतना लंबा हो गया है, पतला पतला एकदम, और बहुत खराब लगता है। इसका जेनेटिक्स बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा जेनेटिक्स है एंड उसके साथ साथ मेरा थोड़ा बहुत गाइडेंस है कि इसको करो, उसको कर दो, उसको थोड़ा ध्यान में रख के वो करता है, जिससे इसको और ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। इसका हाइट अपने पापा से अभी कम से कम 3 इंचेस ज्यादा होगा, अपने पापा से हाइट अभी 3 से 4 इंचेस ज्यादा होगा। राणा का पापा का हाइट कितना होगा आपको पता है? 6 फीट 2 3 ऐसे कुछ होगा, 6 फीट 2 3 कुछ ऐसा होगा, राणा पार कर चुका है। तो सुनो, तो आप सुन लो अब जो मैं बताना चाहता हूं। अगर जैसे ये मेरा बाइसेप्स है, ठीक है, ये मसल्स है, अब ये ट्राइसेप्स है, देख लो, अरे ऐसे ऐसे उठना पड़ रहा मेरे को, अरे यार ठीक है, इतना हाइट मत बढ़ाओ यार, कैमरा को सेट करने मेरा फट गया। तो जैसे जैसे आपका यहाँ पे मसल्स बढ़ेगा, मसल्स कैसे बढ़ेगा, इसको काम करवाना पड़ेगा, इस पर लोड डालना पड़ेगा। अगर ये बैठे रहेगा तो मसल्स और झड़ते रहेगा। मसल्स को आप जितना काम करवाएंगे उतना ज्यादा आपका जो अंदर का मशीन है वो एक्टिव होता है। अगर आप बॉडी को हिलाएंगे नहीं, जैसे रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग में भी तो आप अपने मसल्स को काम करवा रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो पूरा बॉडी का जो मसल्स है पूरा इंगेज हो रहा है। जितना स्पीड दौड़ेंगे आपका मसल्स उतना ज्यादा ताकत लगाता है, ये मान रहे हैं? तो मसल्स को जितना काम करवाएंगे आपका जो अंदर का सिस्टम है वो उतना ज्यादा काम करेगा एंड आपका बॉडी उतना ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप बैठे रहेंगे तो मसल्स क्या होगा, काम नहीं करेगा। जब बैठे रहेंगे चुपचाप, कुछ काम धाम करते नहीं है, बस लैपटॉप के सामने बैठे हुए, तो मसल्स काम नहीं कर रहे, आस्ते आस्ते मसल्स झड़ते रहेगा एंड आपका बॉडी का जो अंदर का सिस्टम है, चाहे वो हार्मोन्स हो हाइट बढ़ाने के लिए, चाहे आपका लंग्स हो, चाहे आपका किडनी हो,
चाहे आपका लीवर हो, चाहे आपका हार्ट हो, सब अनफिट हो जाता है। आपका बॉडी उतना ज्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं करेगा। एंड कहां का मिथ बना हुआ है कि जिम जाने से अगर मसल्स बढ़ जाएगा हाइट नहीं बढ़ेगा? यार मसल्स में कुछ है नहीं, तुम हैंगिंग भी तो करने लायक नहीं हो। हैंगिंग जब करोगे ऐसे करके तो होल्ड करके रखना पड़ता है, तो मसल्स का ताकत लग रहा है ना, फिर भी तो हम मसल्स की यूज कर रहे हैं। हैंगिंग कर रहे हैं आप ऐसे करके, साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग करना बहुत अच्छा बात है, ठीक है। साइकिलिंग जब कर रहे हैं तो मसल्स का ताकत लगा नहीं रहे हैं, लगा रहे हैं ना, तो मसल्स काम हो रहा है ना। उसी तरीके जब आप वेट उठा रहे हो तो आप अपना मसल्स को चैलेंज कर रहे हो कि इस वेट को उठाओ, फिर जब उठा नहीं पा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपको मसल्स को एक अलग शौक मिलता है कि यार मुझे अपना साइज को थोड़ा बढ़ाना होगा, मुझे बड़ा होना पड़ेगा। एंड बड़ा होने के लिए चाहिए आपको ज्यादा प्रोटीन। एंड जैसे आप वेट उठाते हो तो क्या होता है, आपके मसल्स में वेयर एंड टेयर होता है, मसल्स टूटता है, माइक्रो टेयर होता है। उसके बाद क्या होता है, जब आप रेस्ट लेते हो, जब आप सोते हो, आप प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट लेते हो, बॉडी को एनफ कैलोरीज देते हो, तो मसल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है। फिर देखना कुछ दिन बाद वो वेट आपको हल्का लगेगा, बिकॉज आपका मसल साइज बढ़ा है। तो उसी तरीके जब आप हैंगिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मसल्स को तो यूज कर रहे हो, तो आप बॉडी वेट वर्कआउट क्यों नहीं कर सकते हो? घर पर पुशअप्स करना स्टार्ट करो, स्क्वाट्स, हजारों एक्सरसाइजेस नहीं होता है जैसे पुशअप्स कर रहे हो, इसका अलग अलग वेरिएशन होता है, अलग अलग टाइप्स होता है, सभी को सीखो, सभी को करो। पुलअप्स होता है, उसका अलग अलग टाइप्स होता है, उसको करो। स्क्वाट का अलग अलग टाइप होता है। तो एक्सरसाइजेस इसी पे आपको रहना है, लेकिन इसको और बेहतर करते जाना है। जैसे सपोज आप पुशअप्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, आज 5 लगा पा रहे हैं, 6 महीने बाद देखना आप 30 लगा पाएंगे, 40 लगा पाएंगे, तो बाय टाइम इंप्रूव होता है। एंड 6 महीने बाद आपका मसल साइज भी बढ़ेगा, आपका हाइट भी बढ़ेगा, आपका फिटनेस भी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, आपको डाइट को अच्छा रखना पड़ेगा, प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ेगा। प्रोटीन आपको कितना लेना पड़ेगा, 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर आपका वेट 50 किलो है तो आपको डेली 120 से 130 ग्राम प्रोटीन टारगेट करना चाहिए। अगर आप उतना लेंगे नहीं फिर नहीं होगा कुछ फायदा, चाहे आप जितना भी एक्सरसाइज कर लो, डाइट मेन होता है। तो आप घर पर भी अच्छा ट्रेनिंग कर सकते हो या जिम जा सकते हो। जैसे आप बॉडी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, पुशअप्स लगा रहे हैं, तो आप पुशअप्स में यार अपना बॉडी को उठा रहे हो, तो लोड उठा रहे हो। आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल बैग आपका भारी रहता है, उसमें भी आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप बैग को उठा के लेके जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, थैला भारी होता है, उसमें अंदर सामान रहता है ना, तो वो भी तो वेट है, वो भी तो डंबल का काम कर रहा है। भगवान ने मसल्स दिया कि वो इसकी यूज करने के लिए, यूज नहीं करेंगे आप अनफिट हो जाएंगे। तो मसल्स को जितना आप नेचुरली बिल्ड करेंगे अपना ग्रोइंग फेज में, उतना आपको फायदा मिलेगा। एंड जितना अच्छा खाना खाएंगे आपको उतना फायदा मिलेगा। एक ही चीज जरूरी है, प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर फॉर्म। एंड यार यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब में देखो कि बॉडी वेट एक्सरसाइजेस क्या होता है, घर पर हम लोग वेट ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, घर पर एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, घर पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, HIIT ट्रेनिंग, ये भी वेट ट्रेनिंग के अंदर आता है, सर्किट ट्रेनिंग आता है, सब सीखो, सीखो। YouTube है, सर्च करो, हर चीज मिल जाएगा, हजारों वीडियोस मिलेगा, ठीक है। तो करना जरूरी है। अगर हाइट बढ़ाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको हेल्प करूंगा हाइट बढ़ाने के लिए। तो अपना मसल्स को बढ़ाओ, तब जाकर फायदा मिलेगा। वीक मसल्स लेके आप हैंगिंग भी नहीं कर पाएंगे। अगर कहा जाए कि आपको हैंगिंग करना है, आपका बॉडी में ज्यादा मसल्स नहीं है, एंड मेरे को भी हैंगिंग करना है, मेरा बॉडी में ज्यादा मसल्स है, ये ऑब्वियस बात है, मैं आपसे ज्यादा हैंगिंग कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे अंदर मसल्स ज्यादा है, मैं अपना बॉडी को ज्यादा देर तक होल्ड कर सकता हूं, बिकॉज मसल्स ज्यादा है ना यार, ताकत ज्यादा है आपसे। आपके बॉडी में मसल्स नहीं है तो ताकत कहां से रहेगा। एंड मसल्स को बढ़ाने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है, साथ में आप लोग रनिंग, साइकिलिंग, ये सब भी करिए, हर चीज करिए। ऐसा नहीं है कि बस जिम जाने से आपको साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग नहीं करना है। जो लोग जिम के साथ साथ रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो और ज्यादा फिट होते हैं। जैसे विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस, महेंद्र सिंह धोनी, फिर आपको उसेन बोल्ट, सब जिम करते हैं लेकिन साथ में रनिंग भी करते हैं, साथ में स्विमिंग भी करते हैं, साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और स्ट्रेचिंग भी करते हैं।
तो आपको भी इसी तरीके से हर चीज करना है, बिकॉज जब आप सबको साथ में करेंगे तो ये बनेगा आपका हथियार जो हाइट बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो मसल्स बढ़ाओ, ज्यादा प्रोटीन खाओ, एंड अगर आप अपना ग्रोइंग फेज में है तो आपका हाइट बढ़ेगा, बिकॉज फिटनेस इज द की टू इंक्रीज योर हाइट, एंड दैट्स व्हाई माय चैनल नेम इज राजेश हेल्थ एंड फिटनेस, बिकॉज विदाउट हेल्थ एंड फिटनेस यू कांट इंक्रीज योर हाइट। ओके, सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करना चाहता हूं, मसल्स बढ़ाओ, अपना साइज बढ़ाओ, अच्छा सा खाना खाओ, गेट वेट, गेट स्ट्रॉन्गर एंड इंक्रीज योर हाइट, दैट इज द मोटो ऑफ माय चैनल। तो मिलता हूं नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो के साथ, एंड प्लीज बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।